Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Makeover Aesthetics with Saba. कैसे हैं आप सब? बिल्कुल उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बताने वाली हूँ ईद स्पेशल स्किन केयर। 3 स्टेप में बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप ईद स्पेशल फेशियल कर सकते हैं, अपने घर पर फेशियल कर सकते हैं, और जिसके लिए आपको घर से ही सारे इन्ग्रीडियंट्स मिल जाएंगे। बिल्कुल भी आपको महंगे फेशियल्स जो है वो करवाने के लिए सैलून में नहीं जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप घर पर ही कुछ रेमेडीज इस तरह के ट्राई कर लें कि आपके स्किन जो है बहुत ही ज्यादा निखरी निखरी हो जाए, ग्लोइंग हो जाए, और आपका जो टैन है, स्किन का पिगमेंटेशन है, वो थोड़ी सी कम हो जाए। तो इसके लिए एक बेहतरीन सा सॉल्यूशन मैं लेकर आई हूँ। अगर आपके स्किन पर बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, और बहुत ही ज्यादा डल स्किन है आपकी, तो आपके स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए, आपके पिगमेंटेशन को कम करने के लिए बेहतरीन सा सॉल्यूशन लेकर आए हूँ। यानी कि ये फेशियल हम 3 स्टेप्स में करेंगे, जिससे आपको एंड रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग मिलता है। तो वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है, कोई पार्ट इसका मिस नहीं करना है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और मेरे इंस्टा हैंडल को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनाब, तो करते हैं आज की रेमेडी स्टार्ट। और सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है क्लिंजिंग का। और क्लिंजिंग के लिए हमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट चाहिए होगा, यहाँ पर हमें चाहिए होगा एक बहुत ही अच्छा सा साफ सुथरा सा टमाटर। टोमेटोज की स्किन के लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग बेनिफिट्स है। अगर तो आपकी स्किन सेंसिटिव है और एक्ने प्रोन है और ऑयली स्किन है, तो ये ना सिर्फ आपके स्किन के एक्सेसिव ऑयल को कंट्रोल करता है, बल्कि जो डेड स्किन होती है उसको भी रिमूव करता है, एक्ने को प्रिवेंट करता है, ये एक्ने नहीं होने देता है, आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ये ब्राइटन अप करता है, और आपके जो पोर्स हैं उनको टाइट करता है। सन टैन अगर हो जाए आपको, तो सन टैन भी ये रिमूव करता है, आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उन पर ये बहुत अच्छे से वर्क करता है, और उन डार्क स्पॉट्स को ये लाइट करता है। इसीलिए सबसे बेहतरीन और हीरो इंग्रेडिएंट जो है आज के फेशियल का वो है टमाटर। हमने कट कर लेना है इस टमाटर को। यहाँ पर मैंने टमाटर को 2 हिस्सों में कट कर लिया है। इसका एक हिस्सा हम पहले स्टेप के लिए यूज करेंगे, और उसका दूसरा जो हिस्सा है हम इसके सेकंड स्टेप के लिए यूज करेंगे। तो एक बाउल में आपने ले लेना है टमाटर का रस। आप इसको इस तरह से स्क्वीज करके इसका रस आप निकाल सकते हैं। बीज भी अगर साथ में आ जाए तो कोई समस्या की बात नहीं है। यहाँ पर मैंने निकाल लिया है टमाटर का रस। इसके बाद इसमें जाएगा कच्चा दूध। कच्चा दूध जो है वो आपकी स्किन की क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। 2 टेबल स्पून जो है वो मिल्क के ऐड करी हूँ, और उतनी ही क्वांटिटी में हमारे पास यहाँ पर टोमेटो जूस था। इन दोनों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, और फिर उसके बाद आपने ले लेना है कॉटन पैड, या फिर आपने कॉटन जो बॉल्स होती हैं इस तरह से मिलती हैं मार्केट में, मैं ले रही हूँ ये वाला कॉटन पैड। और अच्छा, इसको इसके अंदर हम थोड़ी देर के लिए सोक करेंगे। स्किन पर आप इसे अप्लाई कर लेंगे, और 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने अपने स्किन के ऊपर इसका मसाज करना है। आपकी स्किन के जो पोर्स हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। अच्छा, फिर उसके बाद आपने रिंस कर लेना है अपने फेस को। इस स्टेप से आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्लीन हो जाती है, फ्रेश हो जाती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं स्पेशल के सेकंड स्टेप की तरफ, जो कि है स्क्रब। स्क्रब के लिए हमें चाहिए होगी शुगर। शुगर जरूरी नहीं है कि आप बारीक पिसी हुई लें, थोड़ी सी शुगर जो है वो दर्दरी होनी चाहिए। 1 टेबल स्पून के करीब हमें शुगर रिक्वायर होगी। जो हाफ हमारा टमाटर बच गया था, तो यहाँ पर हम हाफ टमाटर जो है वो यूज करेंगे स्क्रबिंग के लिए। इस तरह से आपने टमाटर को प्रेस करना है शुगर के ऊपर। यहाँ पर शुगर को पीसने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि जूस के साथ ही जब गीली होती है शुगर, तो ये अपने आप ही थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो जब ये सॉफ्ट हो जाए शुगर, तो फिर आपने अपने स्किन के ऊपर इसे रब करना है, जेंटली जो है वो अपने स्किन के ऊपर मसाज देना है। इससे आपकी स्किन जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाती है। आपकी जो डेड स्किन होती है उसकी लेयर जो है वो रिमूव करने में ये हेल्प करता है, ये वाला स्क्रब का मेथड। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपकी स्किन पर एक्ने है, तो फिर आपने ये स्टेप नहीं करना है। आप सिंपल टमाटर भी अपने स्किन के ऊपर रब कर सकते हैं बहुत ही जेंटली। स्क्रब करने के बाद आप अच्छे से अपने फेस को रिंस कर लीजिएगा, और रिंस करने के बाद आप फील करेंगे कि वाकई आपकी स्किन इतनी ज्यादा स्मूथ हो जाती है, फ्रेश हो जाती है, और साफ सुथरी लगने लगती है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मैंने खुद ट्राई किया है। तीसरा जो स्टेप है वो है मास्क का, और फेस पैक हमने बनाना है। और मास्क बनाने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स आपको इसके लिए रिक्वायर होते हैं। सबसे पहला जो इस मास्क को अप्लाई करने के लिए आपको इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो होगा बेसन। बेसन के स्किन के लिए वैसे बहुत ज्यादा फायदा है। अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो फिर आपकी जो ऑयल और सीबम की जो प्रोडक्शन है उसको ये कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करता है, और आपके कॉम्प्लेक्शन को ये बहुत इंप्रूव करता है, आपके जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको क्लीन करने में ये बहुत हेल्प करता है। तो बेसन के साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का यहाँ पर मैं 1 स्पून ऐड कर रही हूँ, और 2 स्पून मैंने लिए थे बेसन के। अभी हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो जूस, थोड़ा सा टमाटर का आपने रस इसमें ऐड करना।
लेना है तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आप इसके अंदर हनी भी ऐड कीजिएगा और कोई भी आपका फेशियल ऑयल जो आपकी स्किन को सूट करता है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं फ्यू ड्रॉप्स। इसके बाद हमने सारी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से करना है मिक्स। आप इसमें विटामिन ई कैप्सूल्स भी ऐड कर सकते हैं, तो जितने इंग्रेडिएंट्स आप इसमें ऐड करेंगे उतना अच्छा ये आपको रिजल्ट देगा। इसको अच्छे से हमने मिक्स करने के बाद आपने अपने स्किन के ऊपर इस तरह से मसाज करना है। थोड़ी देर मसाज करने के बाद आप इसे अपने स्किन पर 20 से 25 मिनट के लिए लगा रहने देंगे। जब ये बहुत ही अच्छे से ड्राई हो जाए, सूख जाए, तो फिर आप उसके बाद इसे स्क्रब करके रिमूव कर लीजिएगा और अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। फिर आप देखेंगे कि आपकी स्किन इतनी अच्छी फ्रेश हो जाती है, आपकी स्किन इतना ज्यादा क्लीन फील करती है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे इसके रिजल्ट्स को देखकर। आप मेरे कहने पर इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, ये मस्ट ट्राई है। और इतना फ्रेश आप फील करते हैं कि आपको वाकई सैलून जाकर कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस जो है वो लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई एक्स्ट्रा फेशियल या ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके लिए यही तीनों स्टेप्स जो है वो काफी हो जाते हैं। फेस रिंस करने के बाद आप ठंडा ठंडा रोज वाटर जो है वो स्प्रे कीजिए अपने फेस पर, और रोज वाटर भी आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्यू पंप्स जो है वो आप स्प्रे करें अपने स्किन के ऊपर, और जब आपका फेस जो है वो ड्राई हो जाए फिर उसके बाद का जो स्टेप है वो है अच्छा सा मॉइस्चराइजर। ऑयली और ड्राई स्किन वालों के लिए मॉइस्चराइजर्स के लिए मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस मौजूद है। पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर के डिटेल रिव्यू के ऊपर भी मेरे चैनल पर एक वीडियो मौजूद है, अगर वो देखना चाहें तो जरूर देखिएगा। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अच्छा सा लाइट सा मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है ताकि आपका जो स्किन केयर का जो स्टेप है फेशियल के बाद वो बिल्कुल कम्प्लीट हो जाए और आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी साफ सुथरी और ग्लोइंग फील करे। स्किन केयर से रिलेटेड मेरे चैनल पर और बहुत सारे वीडियोस मौजूद है, ऑयली स्किन वालों के लिए, एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए, फेस वॉश से रिलेटेड, ड्राई स्किन वालों से रिलेटेड। तो सारी वीडियोस के लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो मस्ट वॉच ऑल ऑफ देम। और आज की जो वीडियो थी वो यहीं तक थी। होपफुली आपको ये सिंपल सा फेशियल, होममेड फेशियल जो है वो पसंद आया होगा। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और रिजल्ट्स मेरे साथ जरूर कॉमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और अगर आज की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इंस्टा हैंडल को भी जरूर फॉलो कीजिएगा। और मेरी स्किन केयर से रिलेटेड वीडियोस के भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो मेरी प्लेलिस्ट भी जाकर वीडियोस की जरूर चेक कीजिएगा। अब मिलूंगी आपसे इजाजत फिर किसी अच्छे से वीडियो के साथ। होंगे अल्लाह हाफिज़।